दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का विषय है, हम लोग कोई भी मकान खरीदते हैं तो लगभग 5 से 6 चीज़ें हैं जो विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए। वो क्या क्या चीज़ें हैं? क्या होता है कि आदमी रोटी कपड़ा और मकान को ज़रूरत समझता है या मूलभूत आवश्यकताएँ मानता है। उसमें मकान एक रेपुटेशन का हो गया, एक साख का हो गया, पॉइंट हो गया। और कई बार क्या होता है कि आदमी देखा देखी, मान लीजिए किसी जानकार ने, रिश्तेदार ने, अड़ोसी ने, पड़ोसी ने यदि मकान खरीदा है, अपन किराए पर रह रहे हैं, तो आदमी जोश जोश में कई बार डिसीजन ले लेता है। तो मकान लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल स्थिति जाननी ज़रूरी होती है, उसका बजट तैयार करना ज़रूरी होता है। और केवल रिश्तेदार ने लिया या मतलब आपके मार्केट के अंदर दिखाने के लिए या समाज के अंदर मान लीजिए साख के लिए लेते टाइम कई बार डिसीजन गलत हो जाते हैं, या किसी रिश्तेदार जानकार ने दिला दिया तो भी कई बार डिसीजन गलत हो जाता है। तो अपन जो भी कोई भी मकान खरीदते हैं तो उनमें मेन 5 से 6 पॉइंट है, उन पर विशेष तौर से ध्यान रखें। सबसे पहले तो अपने को इसमें बजट अपना तय करना रहेगा, फाइनेंशियल अपने क्राइसिस नहीं हो, और इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि कई बार मकान लेने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन चीज़ों को यदि अपन पहले से यदि अपन इनको देख लें या पहले से अपन अपने बजट वगैरह को या स्थिति को देख के प्लान करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसमें सबसे पहला जो आता है पॉइंट, वो आता है फिक्स इनकम आपकी होनी चाहिए। यानी कि आप कोई भी मकान खरीद रहे हैं, बना बनाया, या आप प्लॉट खरीद रहे हैं रहने के लिए, आप पहली प्रॉपर्टी यदि परचेज कर रहे हैं तो उसमें आपकी फिक्स इनकम होनी जरूरी होती है। कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपके पास इनकम नहीं है कोई भी और कोई काम धंधा भी नहीं है। मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी आपको एक 2 से 3 साल का टाइम के अंदर, यदि आपको समय के अंदर फिक्स महीने का एवरेज आपका अच्छा खासा आ रहा है। क्या होता है बिजनेस में कई बार पैसा जो आता है वो इकट्ठा आता है 6 महीने 4 महीने में, और कई बार महीने का महीना आ जाता है। लेकिन सैलरीड पर्सन है तो आपकी एक फिक्स इनकम हो गई, तो उसके सराउंडिंग आपको बजट तय करना चाहिए। मैंने एक पहले भी वीडियो के अंदर बताया था, जो भी आपकी सालाना जो इनकम है उसका 5 गुना, आपकी फैमिली की जो सालाना इनकम है उसका 5 गुना तक प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी फैमिली इनकम टोटल 10 लाख रुपए है तो आपको 50 लाख रुपए तक का मकान आप ले सकते हैं। ये कैलकुलेशन है, इससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऊपर जाने पे आपको दिक्कत होती है, नीचे में तो कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इससे ऊपर ज़्यादा जाते हैं तो आपको किस्त वगैरह देने में आने वाले टाइम में फाइनेंशियल क्राइसिस होने की संभावना रहती है। सेकेंड चीज़ आता है, अपन कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कई बार करते हैं, और ये गलती मैंने खुद ने करी थी, अपन क्या करते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो जो पैसा होता है वो 100% अपन इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या 100% प्रॉपर्टी में लगा देते हैं। आज के सिनेरियो के अंदर यदि सोचें अपन, तो आपके पास कम से कम 8 से 10 महीने या 1 साल का आपको EMI देने का एडवांस रहना चाहिए। 1 साल का आपका जो जरूरतमंद की चीजें, आपका घर का खाने पीने का, राशन का सामान का पैसा होना चाहिए। इतना कैश फ्लो तो रखना चाहिए। कोई पता नहीं है, बीच में कोविड जैसी महामारी आई तो कई लोगों को दिक्कतें आई थी और उस टाइम के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। तो उस टाइम यदि आपने यदि 1 साल का आप स्टॉक रखते हैं, संभव इजीली नहीं होता है, लेकिन इसको कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, इसको FDs के अंदर डाल सकते हैं या SIP वगैरह में उसमें डाल सकते हैं, तो उनको कभी भी अपन हैंड कैश कर सकते हैं। तो अपने पास लगभग 8 से 10 महीने या 1 साल का आपका EMI का पेमेंट और 1 साल का आपका लगभग घर खर्च का पैसा होना चाहिए। आप चाहे सर्विस क्लास है चाहे बिजनेस क्लास है, ये पॉइंट बहुत ध्यान रखने की चीज़ है, क्योंकि कई बार दिक्कतें होती है। मेरे को काफ़ी दिक्कतें हुई थी तो मैं मेरे अनुभव के आधार पे ये चीज़ बता रहा हूँ। थर्ड चीज़ की बात करें तो अपन कोई भी प्रॉपर्टी यदि रहने के लिए ले रहे हैं तो रेडी टू मूव में जाए। अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल में नहीं लेना चाहिए। क्या होता है, कब पजेशन मिलेगा कब नहीं मिलेगा, कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसे आते हैं या बाजार के हालात अपन देखें तो रेरा आने के बाद में भी कई बिल्डर डेवलपर है जो आज भी पजेशन नहीं दे पा रहे हैं, वो पेनल्टी खा रहे हैं लेकिन पजेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि आदमी उलझ जाता है, पैसा तो चला जाता है
लगभग आप मान के चलिए 50% या 60% पैसा भी चला गया, या मान लीजिए 50-60 भी नहीं गया आपका, 20 या 10 से 25% भी गया, तो आदमी उलझ जाता है, फिर दूसरी जगह सोच नहीं पाता है। तो अपने को रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में ही जाना चाहिए। और इसके अंदर रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, यदि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में वहां ग्रोथ आती है, ग्रोथ के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब वो डिपेंड करता है लोकेलिटी और उसके ऊपर, कई बार उसमें भी नहीं आती, लेकिन ग्रोथ नहीं आती है तो आपको अंडर कंस्ट्रक्टेड यदि प्रॉपर्टी लेनी है तो वो कॉमर्शियल में प्लान करें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। रेजिडेंशियल में रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में आपको जाना चाहिए। इसके बाद यदि अपन बात करें तो लोन, मैं हर बार कहता हूं आपको लोन लेना चाहिए, आपके पास पैसा है तो भी लोन लेना चाहिए। और अभी मैंने जो पॉइंट बताया था फर्स्ट पॉइंट कि आपके पास ईएमआई एक साल की या 8-10 महीने की आपके पास होनी चाहिए, तो उसके एवज में भी आप लोन ले सकते हैं। कि आप पैसा पड़ा रहता है तो आप ब्याज की परवाह नहीं करें, ब्याज ज्यादा नहीं जाता है, अभी जो रेटें चल रही है लगभग 9% के आसपास, तो 75 पैसा हो गया, बीच में काफी कम थी और आने वाले टाइम में हो सकता है और बढ़ जाए, क्योंकि जो महंगाई की दर बढ़ रही है उसके आधार पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेज हो रहा है, बढ़ रही है, तो इनसे ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन जब अपने पास पैसा ही नहीं हो, पैसा अपने पास कैश फ्लो होता है तो अपन प्लानिंग कर सकते हैं और एक कॉन्फिडेंस अलग होता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें लोन आप जहां भी लें, तो मैं रिकमेंड यही करूंगा सरकारी बैंक से लें। लेकिन क्या होता है, सरकारी बैंक में एक माइनस पॉइंट ये रहता है कि वहाँ इजीली नहीं मिलता है, तो आदमी परेशान होकर प्राइवेट बैंक से ले लेता है। लेकिन क्या होता है, शुरू में थोड़ी परेशानी होती है लेकिन बाद में आपको बहुत आराम मिलता है, बहुत फायदा मिलता है। आप SBI की यदि बात करें तो SBI में लोन लेना इजी नहीं होता है, लेकिन सर्विस क्लास के लिए आज के टाइम में काफ़ी इजी प्रोसेस कर दिया है, पहले की बजाय अभी काफ़ी सुधार हुआ है। और किसी एजेंट के थ्रू आप प्लान करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बैंक के थ्रू भी करते हैं तो हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन SBI में क्या होता है, बाद की चीज़ें आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, आप योनो के थ्रू बहुत छोटा सा छोटा अमाउंट पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा चार्जेस काफ़ी कम रहते हैं, इंश्योरेंस वगैरह जबरदस्ती नहीं रहता है, कई जगह प्राइवेट बैंकों में भी, लीडिंग बैंकों में नहीं है, जैसे ICICI HDFC में, वहाँ भी आप मर्जी के हिसाब, आप अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर सकते हैं, पार्ट पेमेंट की व्यवस्थाएं भी उनमें हो गई है। तो अपने को प्लान करना चाहिए, मेरी को राय यही रहेगी कोशिश करें सरकारी बैंक से आपको होम लोन मिले, तो उसमें आपको फायदा ज्यादा रहता है। इसके अलावा यदि पांचवें पॉइंट की अपन बात करें तो आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसके जो मंथली खर्चे हैं वो आप पहले से तय कर लें कि कितने खर्चे आएंगे, पहले से आप बातचीत करें, चेक करें। आप कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मान लीजिए कई सोसाइटी के अंदर आप फ्लैट खरीद रहे हैं या कई सोसाइटी के अंदर विला खरीद रहे हैं, तो उनके महीने के चार्जेस कितने हैं, कई बार इतने ज्यादा चार्जेस होते हैं कि आदमी अब अफोर्ड नहीं कर पाता है और फिर बाद में दिक्कतें होती है, तो ये चीजें पहले से डिसाइड करें। आने वाले मतलब सालों का, 15-20 साल का प्लानिंग पहले से देख लें। क्या होता है, जब 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार रुपये महीने का यदि खर्चा आता है तो वो बहुत ज़्यादा लगता है, और उससे कम में कई बार आदमी किराए में रह के और अपनी ज़िंदगी पार कर लेता है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। इसके अलावा सबसे बड़ा जो लास्ट खर्चा आता है वो आता है, अपन कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो बने बनाए मकान में या फ्लैट्स में ये विशेष तौर से रहता है। यदि राजस्थान की बात करें तो अभी यहाँ 8.8% चार्ज रजिस्ट्री के लग रहे हैं, तो ये पैसा अपने पास होना चाहिए रजिस्ट्री का। इसके अलावा ट्रांसफर करवाते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफर करते हैं, नामांतरण करवाते हैं, तो उसका चार्ज भी काफ़ी लगता है। कोई प्राइवेट बिल्डर से ले रहे हैं तो उसमें चार्जेस काफ़ी कम लगते हैं, लेकिन सरकारी प्रॉपर्टी है कोई विकास प्राधिकरण की है या हाउसिंग बोर्ड की है तो उसमें आपके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, बड़ा अमाउंट लगता है। वो पैसा आप हमेशा प्रॉपर्टी फाइनलाइज करने से पहले बचा के रखें और बाद में आपको दिक्कत नहीं है। सेकेंड चीज, आप कोई भी डिसीजन ले अपने विवेक से ले, अपने यार दोस्त या जानकार की वजह से या समाज के अंदर अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी का डिसीजन नहीं ले। अपने बजट, फाइनेंशियल बजट को पहले प्लानिंग करें, उसके बाद अपने को प्रॉपर्टी का प्लान करना चाहिए। जब डिसीजन ले लेते हैं कई बार उलझ जाते हैं तो फिर निकलने का रास्ता नहीं नजर आता है और फिर फंसते ही जाते हैं। मान लीजिए ब्याज के चक्कर में या इनमें लोन के चक्कर में यदि पड़ जाते हैं तो आदमी को इजीली निकल नहीं पाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और फिर एजुकेशन वगैरह है बच्चों की या उन पे भी आपका इम्पैक्ट पड़ता है, घर के माहौल पे भी फर्क पड़ता है। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। ये मोटा मोटी 6 पॉइंट है जिसपे अपन कोई भी मकान खरीद रहे हैं, फ्लैट या विला,
तो उसके अंदर अपने को इन 6 पॉइंटों का ध्यान रखें। और अपन यदि ये चीजें देख के यदि प्लानिंग करते हैं कि पहले से देख के प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, मकान खरीदते हैं, तो अपने को आने वाले टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन सभी चीजों का अपने को ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर वही करते हैं जो लोगों की केयर करते हैं। कमेंट जरूर करें, कई बार अच्छे कमेंट्स आते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं, क्योंकि सलाह हर कोई नहीं दे पाते हैं, अच्छे लोग हैं जो देते हैं। और कमी भी निकालना चाहिए, मेनली कई बार कमी रहती है, मेरे को कई कमेंट्स आते हैं, तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोगों की वजह से ही मैं आगे बढ़ पा रहा हूं। दोस्तों, इसी तरह आप सने बनाए रखें, और आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप हमेशा मस्त रहें, और हमेशा आप व्यस्त रहें।